स्टार्ट होगा, स्टार्ट कर दिया, हमें स्टार्ट कर दिया, खाना निकाल बस। तो भाई तब तक ज्यादा दूर मत घूमना, देख रहे हैं ये पीछे दोनों करेंगे। हमारे रंगारेड्डी जिले के उलमाए कराम बहुत प्रसिद्ध है। आइए सदर साहब आ जाओ, ठहर जाओ साहब, ये तुम हट जाओ, ये पॉलिटिकल है, तुम गवर्नमेंट लाइए साहब, आइए तुम आइए, मुफ्ती साहब ये बताओ उनकी नौकरी है चुनने से मसाइल में, इधर आओ आप भी, थोड़ा पीछे से, थोड़ा पीछे बढ़ो, पीछे जाओ क्रम में, अल्हम्दुलिल्लाह आज कुतुबुल्लापुर के फैसल नगर में रंगारेड्डी ज़िले के उलमाए कराम और दानिशवाना मिल्लत और ग्रेजुएट एजुकेटेड तबके ने आज मुझको और जनाब सैयद अकबर हुसैन साहब को सादिखा सदर नशीन अखिलियती माली अधिकार परिषद को बुलाकर अहमियत पेश की। अहमियत इसलिए पेश की कि ग्रेजुएट एमएलसी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी के दो कॉन्स्टिट्यूंसी के तेलंगाना में जो इलेक्शन हुए उसमें टीआरएस की शानदार कामयाबी पर, क्योंकि हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर की सीट तो हमने बीजेपी के हाथों से खींची है, इसीलिए उलमाए कराम ने जो ना सिर्फ आज गुलपोशी की बल्कि इलेक्शन में भी ये लोग अपनी लगन से मेहनत से टीआरएस एक सेकुलर पार्टी होने के नाते टीआरएस को जिताने के लिए ये लोगों ने बड़े पैमाने पर मेहनत की और ज़िले रंगारेड्डी के उलमाए कराम और मुस्लिम तंजीमों ने भरपूर टीआरएस का साथ दिया और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक सेकुलर जमात है जिसके वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब हमारे सुप्रीमो हैं। उनकी मेहनतों को देखकर, उनके वेलफेयर स्कीमात को देखकर, आयमा हजरात के सिले में उनके काम को देखकर उलमाए कराम ने ये मेहनत की। ये जीत एक अवामी जीत है, ये जीत मैं तो ये कहूँगा टीआरएस पार्टी की नहीं बल्कि ये आवाम की जीत है और इन उलमाए कराम की जीत है और तमाम मुस्लिम तंजीमों जिन्होंने इस ग्रेजुएट इलेक्शन में टीआरएस का साथ दिया, फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट से नवाजा, मैं तमाम उलमाए कराम का, तमाम दानिशवरान मिल्लत का और मुस्लिम तंजीमों का, मुस्लिम विकलांगों की तंजीमों का, मुस्लिम एम्प्लॉइज़ की तंजीमों का और तमाम मुस्लिम ग्रेजुएट्स का बेहद ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने टीआरएस के लिए वक्त निकाला और टीआरएस के लिए मेहनत की और टीआरएस को भारी मेजॉरिटी से जिताया। यहाँ नहीं बल्कि वरंगल, खम्मम, नलगुंडे की सीट पर भी बल्ला राजेश्वर रेड्डी साहब की भी बड़े पैमाने पर शानदार कामयाबी मिली और मैं तमाम वहाँ के भी लोगों का बेहद ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने टीआरएस को वोट दिया। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। इस तरह रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में उलमाएद्दीन और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम की वजह से जिस तरह एमएलसी इलेक्शन, जिस तरह हैदराबाद और नलगुंडा में गुस्ता कई महीनों से जद्दोजहद चल रही थी उस पर गौर किया गया क्योंकि उसमें फिरका परस्त पार्टी ने अपना दबदबा बता रही थी। उस तौर पर मोड़तोड़ जवाब के दिन मोड़तोड़ जवाब देते हुए ये बताया कि हमारी एक सेकुलर पार्टी है तो तेलंगाना में टीआरएस पार्टी है और हमारे उसके चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब है। आज जिस तरह हमारे वहीद अहमद साहब वक्फ मेंबर और मुझे और उलमाएद्दीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कई उलमाएद्दीन भी एक फैसला लेने के लिए पीछे हो रहे थे। इस उलमाएद्दीन ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और वरंगल के इस तरह हैदराबाद के एमएलसी के लिए इन्होंने कई जद्दोजहद के बाद वो डिसीजन लिया और सेकुलरिज्म को वोट देते हुए उन्होंने आज भारी अक्सरियत से जिस तरह आज दो एमएलसी उम्मीदवार जिताए हैं केसीआर साहब की क़यादत पे, क्योंकि इसलिए हिंदुस्तान में और सेकुलर पार्टी है तो उसे टीआरएस है। आज गंगा जमुना तहजीब कायम है तो रियासती तेलंगाना में, अमन और शांति कायम है तो रियासती तेलंगाना में। ये क्यों बोल रहा हूँ कि केसीआर साहब एक सेकुलर मसीहा कहलाए जाते और केसीआर साहब मुसलमानों को ही बोल गए, हिंदू सिख ईसाई को सबको एक, मेरा एक आँख है। उस तरह आज गंगा जमुना तहजीब का सबूत तेलंगाना राष्ट्र स्टेट में लहर रहा है। वो कारनामा आज कल जिस तरह रिजल्ट आए बाद जो मुस्लिम माइनॉरिटीज कहाँ भी हैं दो वो टीआरएस के हक में वोट दिए हैं, आज हमें भी गुलपोशी किए हैं। तो हमारा बड़ापन ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह हमको नवाजा गया है
उसी तरह आज हमारे मुसलमानों की इज्जत से भी आज के सीआर साहब ने बहुत इज्जत देते हुए इस तरह कोई भी मसले हैं तो मसलों को हल कर रहे हैं। आज हम भी चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और कोई सा भी इलेक्शन आता है तो मुस्लिम माइनॉरिटीज टीआरएस के हक में वोट देती है। आज मैं तमाम रंगारेड्डी के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और उलमाए दीन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिस तरह हमें गुलपेशी गेम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सबको तमाम टीआरएस के सेक्युलर और टीआरएस के पार्टी के एमएलएस एमपीस और मिनिस्टर्स को मैं तहे दिल से मुबारकबाद। दा हाफिज, जय तेलंगाना। Thank you.